केंद्रीय चुनाव आयोग ने दो राज्यों हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव का ऐलान कर दिया है। इन दोनों राज्य में 18 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर तक चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। वहीं नतीजों की बात करें तो दोनों राज्यों के नतीजे 4 अक्टूबर को आएंगे। वहीं जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए प्रशासन की तैयारियों पर उपायुक्त जम्मू सचिन कुमार ने कहा कि इस बार जम्मू में 11 विधानसभा क्षेत्र हैं जिनमें चुनाव होना है और तीसरे चरण में यहाँ मतदान होगा। इसको लेकर चाक चौबंद तैयारियां हैं। आदर्श आचार संहिता लागू हो चुका है। सभी लोगों से अपील की है कि आदर्श आचार संहिता में दी गई हिदायतों का पालन करें ताकि हम बेहतर चुनाव करा सके। सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम हैं, किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए इसके लिए सभी तैयारियां हो चुकी हैं। और इस बार 11 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जम्मू जिले में जिनमें इलेक्शन होना है और तीसरे फेज यानी जो लास्ट फेज है उनमें इलेक्शन होना है, तो तैयारियां वो चाक चौबंद हैं और ट्रेनिंग वगैरह सारा कुछ हो चुका है, लेकिन हम और अच्छे से फुल प्रूफ सिस्टम भी रख रहे हैं ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कल कमीशन के अनाउंसमेंट के बाद लागू हो चुका है और सभी लोगों से अपील कर रहा हूं, जितने भी जम्मू के लोग हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं और जो भी लोग जुड़े हुए हैं, कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में दी गई हिदायतों का पालन करें और ताकि हम बेहतर इलेक्शन करा सकें, इसमें उनका सहयोग रहे। लोगों से यही अपील है कि हमारे यहाँ जो जम्मू जिले में जिस दिन इलेक्शन है लास्ट फेज में है, उस दिन सभी लोग जैसे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए थे पार्लियामेंट्री इलेक्शन के टाइम पर, इस बार उसके उस रिकॉर्ड को भी तोड़ना है। पिछले जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन या असेंबली इलेक्शन हुए थे उनके भी रिकॉर्ड को तोड़ना है और हर कोई अपना मत डालने जरूर जाए। परमिशंस के लिए ऑनलाइन परमिशंस की सुविधा की गई है, डेडिकेटेड टीम उस पर काम कर रही है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होने देंगे और जो हमारा टाइमलाइन है उसके अंतर्गत हम सभी को परमिशंस एक लेवल प्लेइंग फील्ड के हिसाब से उपलब्ध कराएंगे।